लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम हनुमान। आओ हनुमान, मेरे गले लग जाओ। प्रभु कैसे हैं? तुम्हारे वियोग में तुम्हारी सेवाओं का स्मरण करता रहा। आज के दिन की प्रतीक्षा करता रहा। कितना शुभ है आज का दिन। प्रभु, मैं भी प्रतिपल प्रतिक्षण आप ही के स्मरण में लीन था। पल पल होठों पर केवल आप ही का नाम था और फिर श्री राम का नाम लेते ही सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते चले गए। हनुमान, इस मिलन में इतनी देर क्यों लगा दी? प्रभु, विधाता का हर कार्य समय आने पर ही पूर्ण होता है, फिर ना देर ना सवेर। माता सीता ने इस बेटी चिन्ह आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। जन्म जन्मांतर तक एक मात्र आप ही मेरे प्रियतम और रहेंगे। बोले राम का हृदय स्नेही, तनिक न चिंता करवै देही। कोई भी रूप हम धारण, नाता अविभाज्य है हमारा। अभिनव शाश्वत है जोड़ी हमारी, अभिनव शाश्वत है जोड़ी हमारी। त्रिभुवन में न ऐसी छवि मनोहारी, धीरे धीरे पाओ गए प्रिया सुकुमारी। सीते, और क्या कहा सीते ने? प्रभु, शब्दों में तो केवल इतना ही कहा कि वे आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु उनकी आंखों ने बहुत कुछ कहा। प्रभु कृपया माता सीता को रावण के कारागार से छुड़ाइए। प्रभु, रावण के कारागार से छुड़ाइए। क्या रावण ने सीता भाभी को कारागार में बंदी बनाकर रखा हुआ हनुमान? हां लक्ष्मण भैया, लंका की अशोक वाटिका माता सीता के लिए कारागार के ही समान है। यदि प्रभु की आज्ञा होती तो मैं माता सीता को रावण के पाश से मुक्त करा के यहां ले आता, परंतु क्या करता, विवश था। हनुमान, अब लंका की भूमि पर पहुंचे बिना सीता का उद्धार नहीं होगा। वानराज सुग्रीव ने हमें सहायता का जो वचन दिया है उसे पूर्ण करने का समय आ गया। प्रभु श्री राम की जय हो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। हनुमान, तुम सीधे यहां चले आए।
और मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढता रहा। जहाँ भैया राम होंगे वहां तो हनुमान पहुंच ही जाएंगे वानराज। सखा सुग्रीव, मैं प्रभु श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाकर आपके पास पहुंची। प्रभु, आपको हनुमान से सारी परिस्थितियों का पता चल चुका होगा, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? वानराज, जैसा कि अभी अभी भैया राम ने कहा, आपने हमें सहायता का जो वचन दिया हुआ था उसे पूर्ण करने का समय अब आ गया। तो शीघ्र प्रस्थान कीजिए सागर तट की ओर। सारी वानर सेना लंका पर आक्रमण करने के लिए व्यग्र हो रही है प्रभु। सुग्रीव, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सत्य और न्याय के संघर्ष का समय आ गया है। हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ इस धर्म युद्ध के लिए प्रस्तुत होना होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस धर्म युद्ध में हम अवश्य विजयी होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाचा सुग्रीव ने अभी तक कोई संदेश क्यों नहीं भिजवाया? और फिर हनुमान भी उनसे मिलने गए तो वहीं क्या होके रह गए? क्या तुम हनुमान को नहीं पहचानते वीर सुंदर? वे सबसे पहले श्री राम से मिलने गए होंगे। हाँ जामवन जी, आप ठीक कह रहे हैं, हनुमान श्री राम से अधिक समय तक मिले बिना कैसे रह सकते हैं। परंतु अब हम उनकी प्रतीक्षा कब तक करते रहे? धैर्य धरो वीर सुंदर, किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले वानर राज सुग्रीव तथा श्री राम को बहुत गहराई से सोच विचार करना होगा। आप सत्य कह रहे हैं रक्षराज, परंतु वानर सेना कुछ करने के लिए व्यग्र हो रही है, यह भी सत्य है। मैं आप सब वानर मित्रों का आभारी हूं। प्रभु, आज्ञा दीजिए अब हमें क्या करना है। वानर राज सुग्रीव, पहले प्रभु को विश्राम दीजिए और फिर वानर राज आप भली प्रकार इनके साथ मंत्रणा कर अपनी शक्ति और शत्रु के बल का विचार कर। जामवंत जी, शत्रु का बल मैं भली भांति देख चुका हूं, अब तो केवल युद्ध के निर्णय की प्रतीक्षा है। निर्णय तो हम सबको मिलकर ही करना है। क्यों लक्ष्मण, आपका कथन उचित है। भैया, हम सबको सबसे परामर्श करके ही निर्णय लेना चाहिए। प्रभु, आप अपने शिविर में जाकर विश्राम कीजिए। वानराज सुग्रीव, आपको भी विश्राम की आवश्यकता है। मंत्रणा और निर्णय की बात हम प्रातःकाल पर छोड़ते हैं। चलिए चलिए।